आगे कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से वो पहाड़ ठीक किया जाएगा, उसके बाद जितना भी ट्रैफिक है वो खुला जाएगा। अभी इस समय जो है मैं मनाली में हूँ। दिल्ली से मनाली मैं किस तरीके से पहुँचा, ये मेरी बहुत ही इकोनॉमिकल ट्रिप है, मैंने अच्छे से इस ट्रिप को प्लान किया है। अगर आप दिल्ली से मनाली आना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी। तो इस समय जहाँ मैं बैठा हूँ, वैसे भी नवंबर और दिसंबर जो है घूमने का वक्त होता है, ये आप अच्छे से घूम सकते हैं। छुट्टियाँ आती हैं, विंटर वेकेशन लोगों की आती हैं, तो सबका घूमने का प्लान कहीं ना कहीं बनता है। मैं दिल्ली से मनाली किस तरीके से पहुँचा, आप या तो वॉल्वो से आ सकते हैं या अपनी कार से आ सकते हैं। तो हम और रंजीत जो हैं वॉल्वो से आए हैं, और ये वॉल्वो आपको कैसे दिल्ली से कहाँ से कैसे मिलेगी ये भी इस वीडियो में बता देता हूँ। जो वॉल्वो चलती है ये आपको मिलेगी या तो कश्मीरी गेट से या मजनू का टीला। इसका इकोनॉमिकल फेयर होता है 700 से लेकर के 1500, जैसे आप जो है बस बुक करेंगे उस तरीके से आपको बस मिल जाएगी। और दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर है, तो आपको कम से कम 8 या 9 घंटे लगेंगे पहुंचने में यहाँ पर। और जिस अब जो मैं यहाँ मनाली में जिस होटल में हूँ, मैं आपको उस होटल के बारे में बता देता हूँ। ये बिल्कुल जो है मैंने अभी जानबूझ कर माल रोड पे जो है होटल बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर होटल लेना था। माल रोड से थोड़ा सा दूर 4 किलोमीटर पहले ही ये जो होटल पड़ जाता है वहाँ पर मैंने इस होटल को बुक किया था। इस होटल का नाम है त्रिपली स्टोन हाउस, जो मेरे ख्याल से पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है। और मैं अब इस होटल का आपको देता हूँ रिव्यू। तो ये यहाँ से देखेंगे, ये मेरी बालकनी है, ये बालकनी है, यहाँ से मैं बैठ के मैं और रंजीत चाय कॉफ़ी पीते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको देखेंगे ये दिखता है व्यू पूरा। तो अभी भी जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे जो होटल वगैरह बिल्ड हो रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल 3 या 4 किलोमीटर दूर पर हमारा माल रोड है। और ये पूरा जो व्यू है सब सीनिक व्यू है, पूरा पहाड़ों पे भी अगर आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पर पूरी पहाड़ों पे सब बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ पड़ने के आसार भी 1-2 दिन में यहाँ भी बर्फ़ पड़ने वाली है। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं इन पे सब के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ से रात में ये जो छोटे छोटे आप घर देख रहे हैं पहाड़ों पर, ये रात में जिनमें लाइटिंग होती है, मैं रात को दिखाऊंगा, लाइटिंग जब होती है तो ये कितने सुंदर दिखते हैं। वैसे भी इसमें बहुत ही सीनिक व्यू है। और ये सामने ये सारा जंगल है। और मैं आपको देता हूँ अब रूम का। तो ये हमारा बेड है, ठीक, ये पूरा ऊपर देखेंगे आप, पूरा इन्होंने लकड़ी का बना रखा है पूरा सारा कुछ। और यहाँ से देखो, ये इतना बड़ा मिरर लगा रखा है, यहाँ से पूरा ये पहाड़ देखते हैं, जैसे देखिए पेंटिंग है पूरा। ये देखिए, तो इस प्रॉपर्टी के जो केयर टेकर हैं, मैं उनका नंबर नीचे दे दूंगा कि मैंने, जिससे आप अगर इस जगह पे आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी मैंने जब आप मनाली आते हैं तो कुछ जगह चूज़ करके आते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने अभी जो है बुलेट बुक कर रखी है, हमने प्रॉपर रात में नाइट में बुलेट अपनी मंगा ली, तो जो नीचे खड़ी है चेक भी कर लिया था। तो बुलेट से हम अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है विजिट करेंगे। और आपको ये बोलूँगा, इन केस अगर आप बुलेट वगैरह या स्कूटी वगैरह कुछ भी बुक करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको चेक कर लीजिए, उसका वीडियो बना के अपने पास रख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑलरेडी, फिजिकल या इंटरनल को चला के भी देख लीजिए। और जो देने वाला है उसको बताइए। तो जिनसे मैंने बुलेट ली है उसका भी नंबर मैं नीचे दे दूँगा। तो चलो आगे की ट्रिप चालू करते हैं। तो ये है बुलेट जो मैंने हायर कर रखी है, तो ये 500 cc मैंने ले ली थी, क्योंकि हमें कहीं भी अगर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ऑटो वाले हैं कैब वाले हैं थोड़ा एक्सपेंसिव है, पहाड़ी एरिया इस वजह से एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये मैंने हायर किया हुआ है, इसी से सारा मैं जो है काम करने वाले हैं। अगर आपको, वही मैंने पहले बताया, मैं नंबर देने वाला हूँ, अगर इनकेस आपको डिमांड होगी तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। चलिए, तो अपने प्लान के मुताबिक हम दोनों इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए निकल चुके थे।
दिसंबर की इन पहाड़ी वाली सर्दी में लोगों को जितनी ज़्यादा आग और रजाई की होती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे पहाड़ों को देखने की थी। और हमने अपना पहला पड़ाव सोलंग वैली को बनाया था और हम इन्हीं खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। सोलंग वैली कुल्लू से लगे हुए बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। मनाली से लगभग यह 14 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग गांव के नाम पर इसका नाम सोलंग वैली पड़ा। नेचुरल ब्यूटी के अलावा आपको यहां बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स करने को मिलेंगे, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, रोप वे राइड, एटीवी राइड और जॉगिंग। पता है, जब भी मैं इन पहाड़ी रास्तों पर घूमता हूँ मुझे हर बार एक ख्वाब आता है, इन्हीं जगहों पर मेरा अपना एक घर हो और मैं यूं ही इन पहाड़ों को निहारता रहूं। और इन खूबसूरत वादियों को निहारते निहारते हम पहुंच गए थे सोलंग वैली। तो हम हैं मनाली में। पहाड़ पे आओ तो पहाड़ की मैगी और पहाड़ की जो है चाय बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी यहाँ से तो वहाँ तक पूरी जो है बर्फ़बारी हो रही है। तो सोलंग वैली हम लोग आ चुके हैं। सोलंग वैली में हमने काफ़ी फोटोग्राफी भी करी है। अभी यहाँ से वहाँ तक पूरी बर्फ़ की बर्फ़ है, यहाँ से वहाँ तक। शाम को बर्फ़ पड़ने वाली है और अभी बर्फ़ पड़ चुकी है तो हम लोगों ने ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये बर्फ़ भी बहुत सॉलिड बर्फ़ है। ये देखिए, मतलब खेल एक। अगर आपको आना है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये चार महीने बहुत ही क्रूशियल महीने होते हैं। मेरे ख्याल से आप दिसंबर के मिड वीक में आओ तो और बर्फ़ आपको अच्छे देखने मिलेगी। जनवरी तो पूरा भरा रहता है। हाँ, आना अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है शूज़, आपके गम सोल होने चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, क्योंकि स्लिपरी बहुत होता है। गिरोगे स्टोन है, पर पत्थर लगता है, चोट लगती है। और वाटर बॉटल जरूर लेके आइएगा क्योंकि पानी यहाँ पे आगे आपको मिलेगा नहीं। अगर आप ट्रैकिंग करोगे पानी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो एक बॉटल पानी की होनी बहुत ज़रूरी है। रंजीत, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी क्या आगे, क्या आगे हम जाने वाले के नहीं, अभी इसके बाद जाएंगे शिशु विलेज। शिशु विलेज जाएंगे। तो सिलोंग वैली में कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल गए थे शिशु विलेज की तरफ। और शिशु विलेज की तरफ जाने के लिए हमें अटल टनल को क्रॉस करना था। मैं आपको अटल टनल के बारे में बता देता हूँ। अटल टनल जो है कम से कम 8 किलोमीटर लंबा है। उसके अंदर जाने पर आपको एक अलग सा एहसास होगा। और जब हम लोगों ने अटल टनल को क्रॉस किया उसके बाद जो दृश्य था वो इस तरीके से था। ये है अटल टनल के आगे के पहाड़ जो पूरे बर्फ़ से लदे हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने देखिए। रंजीत अपनी दाढ़ी सही करते हुए, दाढ़ी इनके बर्फ पे खड़ी हो गई। खड़ी हो गई क्या? बर्फ जम गई दाढ़ी के ऊपर। पूरी आइस यहाँ से यहाँ तक, पूरी आइस इस तरह। दिसंबर का महीना और बर्फ ही बर्फ। वो देखो ऊपर कितनी सारी बर्फ है। क्या कहते हो? तैयारी शुरू है, चलता है अभी शिशु विलेज। शिशु विलेज चल रहा है ना? सुना है वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट तैयारी है शिशु विलेज की, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल चालू हो चुका है। तो बज रहे हैं अभी 3 यहाँ से लगभग, मालूम नहीं क्योंकि नेटवर्क चल नहीं रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, सब लोगों का बुरा हाल। तो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम शिशु विलेज की तरफ बढ़ गए थे।
बर्फ से लबालब ढके हुए पहाड़ मानो यह कह रहे हो आओ देखो हमारी खूबसूरती। अब मैं आपको थोड़ा सिसु विलेज के बारे में बता देता हूँ। यह मनाली से जब आप लेह की ओर जाते हैं तो बीच में यह एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसे सिसु गांव के नाम से जाना। ये टनल है और अभी हम इसके थ्रू से मनाली की तरफ जाएंगे। मनाली यहाँ से 33 किलोमीटर है। हम लोग सिसु विलेज में थे अभी, तो उसके बाद अब यहाँ से मोड़ के हम जाएंगे इस टनल से। ये टनल जो है इसकी कम से कम जो लंबाई है 8.5 से 9 किलोमीटर। अंदर ये पहाड़ पूरा काटा हुआ है और इसके अंदर से हमें जाना है। और ये है पूरी बर्फ। और मेरी अब एक ही इच्छा थी, काश कहीं से स्नोफॉल देखने को मिल जाए। और जब हम अटल टनल से मनाली की तरफ जा रहे थे, रंजीत ने कुछ नोटिस किया और रंजीत बोला, बर्फ गिर रही है मासू भाई। कहाँ गिर रही है? हाँ, स्नोफॉल हो रहा है। यस 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 यस। अरे यार, यहाँ थोड़ा रुकना है मुझे। अरे ये साला डालो। वाव वाव वाव, वेरी गुड। लगा रहा हूँ साइड में। और वहाँ पर रुकने के बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत सारे लोग मेरी तरह स्नोफॉल देखना चाहते हो। और हमने खूब सारा एंजॉय वहाँ पे किया। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि शायद अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए
और हम अब अपने होटल की तरफ वापस लौट लिए थे। और नेक्स्ट डे हमारी बस दिल्ली के लिए निकल रही थी और हमारे पास अभी एक दिन का वक्त था क्योंकि हमारी बस रात की थी। तो हम निकल गए थे मॉल रोड से लगा हुआ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को देखने के लिए। मनाली का मॉल रोड, तो ये पूरा एक शॉपिंग सेंटर समझ सकते हैं आप। अच्छे से बार्गिंग कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से शॉपिंग करनी आती बार्गिंग कर सकते हैं। पूरा ये देखिए कितना बेहतरीन है, बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ से वहाँ तक पीछे तक, पूरा ये जो है मॉल है और सारा जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन जगह है ये। लास्ट है ये है व्यास नदी, जो बर्फ़ का पानी पूरा जो है बहता रहता है ये यहाँ से यहाँ तक। अभी अंधेरा हो गया और हमारा है आज दूसरा दिन यहाँ पर क्या नाम मनाली में। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं, तो सब कुछ घूमते घूमते मुझे हम लोगों को बहुत लेट हो गया है। अब हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा बहुत है, पत्थर है थोड़े से, तो लोगों ने मना के आगे मत जाइएगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको व्यास नदी में आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, पानी में पैर डाल सकते हैं। गर्मी में तो बहुत अच्छा रहता है, ठंड में थोड़ा पानी ज़्यादा ठंडा क्योंकि बर्फ़ का पानी होता है, बर्फ़ पिघलती है, वही ये पानी है। तो और ये देखें ऊपर। और अब वक्त आ गया था वापसी का, तो इस ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले आप एक छोटी सी क्लिप को देख लीजिए। सो दो दिन का मेरा स्टे था जिस रूम में मैं रुका था, ये है सचिन। इन्होंने मुझे रूम बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था, जो है दोनों तरफ से ओपन था, दो साइड बालकनी दी थी, एक जो है व्यू था हमारा हिल की साइड में, एक इस साइड में, दोनों मतलब मेरे ख्याल से चारों तरफ से हिल्स हैं। बट जो इन्होंने मुझे रूम प्रोवाइड किया था वो बहुत अच्छा था। रूम नंबर इन केस अगर आप आते हो 705 रूम नंबर था, और मैं आपको इसका एड्रेस, इनका सचिन भाई का नंबर इसमें दे दूंगा कि अगर आपको बुक करना है तो आप आ सकते हैं। सचिन भाई आप अगर कुछ बता सकते हैं बताइए होटल के बारे में। ट्रिप्पी होटल सर मनाली में प्रीनी एरिया में पड़ता है हमारा, एंड हमारा बेस्ट और यूएसपी है हमारे रूम्स एंड रूम्स के बालकोनीज, दे आर रियली गुड साइज बालकोनीज एंड ऑल व्यूज आर रियल, जो फोटोज आपको दिख रहे होंगे। हाँ, तो जो मैंने फोटोग्राफ देखी थी गूगल पे और बाकी जो बुकिंग साइट पे, वो रियली में जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है। और मेरा स्टे तो बहुत अच्छा रहा, आई होप आप लोग आएंगे तो आपका भी स्टे अच्छा रहेगा। स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, बस यही बताऊंगा, आके आप फील करिएगा। थैंक्स सो मच।